सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय कर श्री बलिदान भोल सांत दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सप्तशलोक दीर्घ। शिव उवाच देवेशं भक्तसुलभे सर्वकार्यभिधायिनी कलोहि कार्यसिद्ध्यर्थं रोहि यत्नतः। देव्यो उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तमेव स्नेहेन ब्रह्मा स्तुतिः प्रकाश्यन। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोक स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः कनिष्ठवक्षन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विचैतासे देवी भगवती भोलादादृश्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमते वशुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्याम् सर्वोपकारकरणाय सुधार्द्रचित्तम् सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमास्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवे नारायणे नमास्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते वैव्यस्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमस्तुते। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टान् दृष्टातु कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नानाम् त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्रीदुर्गस्तोत्र शतनाम स्तोत्र। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ॐ सती साध्वी भव प्रीत भवानी भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाद्रा त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातवा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः
शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अवर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलापती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी भण दुर्गा च मातंगे मतंगा मन पूजिता भ्रामी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च भवाराही लक्ष्मी च पुरुषा कृतिः विमला दर्शनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकेटवान्ध्रे च चन्द्रमुण्डा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रास्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैकन्या च केशोरी युवती रतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता फलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे सवस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवधूते कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् असाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं मोचयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत्वरया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेदेवि सर्वे सुरभरैरपि राजानो दासनां जाति राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्धुरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्ययन्त्रं विलीना विदेख्यो भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमाहास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलक्ष्या प्रपठे स्तोत्रम् स भवे सम्प्रधापद प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवद माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना
पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके वधे के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः तनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्या सप्त मातरा भीलम् दिगबन्ध देवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपेऽभिनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्भुयं परमं लोक सर्वरक्षाकरं विनाम् यन्न कस्यचिदाख्यातुं धर्मे रोहे पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्या श्लोकं चम्पन्यं तशृणुष महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्ममेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरले विषमे दुर्गमे चैव भ्रियार्तः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखद्वयं न हि येषु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेषु रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्तारु चामुण्डा वाराहि महिषासनम् इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासनम् माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शुकवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाद्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा तेभ्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च सुलाजुतं केकगं दोमरं चैव परशं पाशमेव च कुन्ताधिरं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ध्रायुधानिर्थं देवानां वैराय मे नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि
त्रायणां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनीं प्राच्यां रक्षतु मार्मेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवताम् दक्षिणे वधुवाराहिणे नित्यां खड्गधारिणीं प्रतीच्यां वारुणे रक्ष भायभ्यां मृगवाहिनीम् उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणीम् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष तदस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चागृतः पातु विजया पातु वृष्टलः अलिता भाम पार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्ष तु मां मूर्धनी व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपालो कालिका रक्ष कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां तु ग्रन्था च उत्तरोष्ठे च चर्षिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां यत्र घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुर्गं रक्ष वच मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बही कण्ठे नलिकां नलकोभरि सन्दयो खड्गनि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयो दण्डनि रक्ष दण्डिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि स्तनो रक्षन्महादेवी मुना शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभो चकामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरि तथा भूतना कामिका मेढं गुजे महिषवाहिनि कर्त्यां पर्वती रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वनामप्रदायिनि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलभासिनि रकादष्टाकराले च केशाचेव ध्वकेशिनि रोमकूपेषु कोबेरे त्वजं वागीश्वरि तथा रक्तमज्जावसावासा नस्ति मेधांसि बार्भनि मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुरुडेश्वरि पद्मावते पद्मकोश कभे चूडामने सदा ज्वालामभे नखज्वालामभे ध्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरि तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापानं तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणि सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी जगः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां तु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्षतु भैरवि पन्थानां सुपथा रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं दुजस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति पापनाशिनि त्वदमेकं न गच्छेतु जेच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्नोति भूतले भुवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्राम्यश्वपराजितः त्रैलोक्य त्वमवेत्मोच कवचेनावृता पुमान् इदं तु देभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जयप्रभे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धया कृता
देवी कला त्रैलोक्येषु पराजिता जीवेन वर्षितं साग्रं अपनित्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः साबरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः केचनाश्चैव जलजाशोपदेशिका सजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्ष च राघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्मण्डावेलवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्कृते मानो निर्मवेलाज्ञस्ते वृद्धिकरं वरम् दशसा वर्धते सापे कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतिर्दण्डे कृत्वा तु नवचम् पुरा यावद्भूमण्डलम् दत्ते सशैलमनकाननम् तावत्तिष्ठति मे धन्यम् सन्ततिः पुत्र पौत्रिके देहान्ते परमंसानम् जसुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमम् लोकम् शिवेन सह मोदते। अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनष्टुमछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उभाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनि दुर्गाक्षमा शिवा दात्रे स्वाहा सुधा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमस्ते मधुकेतव विद्रावे विदात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि रक्तबीजापदे देवि चन्द्रमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य नवाधिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि वन्दिताङ्ग्रीजुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चन्द्रिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि सुमध्यो भक्तिपूर्वं त्वं चन्द्रिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि विदेहि दृशतां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि सुरासुरशिरोरत्नानिकृष्टचन्द्रम्भिक रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि विद्यावन्तं दशर्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जगं गुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त्र संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विषो दहि
कृष्णेन सुभक्त्या सदा रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुदानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि इन्द्राणी पति सर्वाभा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयं विजे रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्याकुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती सङ्ख्य भरमाप्नोति सम्पदा। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठयत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणाम विकीलकम् स्वामिक्षेमम् भाव्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनाधीने वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमनाम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनाधिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाभरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवम् इदम् शुभम् स्तोत्रम् हे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तम् चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तामृतावन्ययन्त्रणाम् स्वभिक्षेपम् आप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्यामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलाम् विधायेन नित्यम् लभते संस्फुटम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापृतस्तस्य भयम् वापीह जायते नापमृत्योपसंजाते मितो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादियल्लिञ्चे दृश्यते ललनाजने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभम् शनेऽस्तु जप्यमानस्मि स्तोत्रे सम्पतिरुच्यकैः भवत्येव समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारभ्यसम्पदः शत्रुहारिः परो मोक्षः स्तूयते स न किम् जनैः। श्रीमहिषासुरमर्दने सूत्रे वै गिरिनन्दिनि नन्दितमे दिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते निर्वरमिन्द्रशिरादिनि वासिनि विष्णुविलासनिलेशनुते भगवति हे श्रीकण्ठकटुम्बिनि भोरि कटुम्बिनि भोरि कृते हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुरधर दर्शिनि दुरमुखमर्षिणि हर शरते त्रिभुवनमोषिणि शङ्करतोषिणि घोषरते तनुजति रोषिणि दिति सुतरोषिणि दुरमदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकवरदिनि शैलसुते
Yeah.
Thank you.
सद्बुद्धि धन वाले माता तेरी सदा ही जय। बल सच्चे दरबार की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजननी की शरणक धोकर के माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, उन शरणार्थ भक्तों पर इस माँ जगजननी आद्य शक्ति की सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की मनोबल सिद्ध कामना जो है वह पूर्ण होती है और वह जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है और सब ओर से वह भक्त जन जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनकी जीवन यात्रा जो है ये सुध बनी रहती है और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। माँ भगवती की पूजा, माँ की आराधना जो है ये वास्तव में सब ओर से कल्याण को देने वाली ही, सुखों को देने वाली ही, दुखों को नाश करने वाली ही और ये परम मोक्ष को देने वाली ही, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली जय भगवती ही, जय भगवती जो है धार्मिक मति देती है, धर्म की ओर ले चलती है, धार्मिक मति देती है, धार्मिक बुद्धि देती है, अर्थ धन लक्ष्य का वरदान देती है, काम कामना को पूर्ण करती है, मनोरथ को पूर्ण करती है और अंत में यही परम मोक्ष को दे देती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक ये देवी की पूजा, इस शक्ति की उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। तम वैश्व शक्ति अनंत वीरजा विश्व बीजम परमासीमाया सम्मोहितम देवी समस्तमेत तम वे प्रसन्न भूमुक्ति हेतु। हे माँ, आप अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो, विश्व बीजम परमासीमाया विश्व की कारण भूता परमाया हो, सम्मोहितम देवी समस्तमेत तम वे प्रसन्न भूमुक्ति हेतु। हे माँ, एकमात्र आपने पूरे युक्त को जो है अपनी माया द्वारा मोहित कर रखा है और आप ही प्रसन्न होने पर जो है मुक्ति का वरदान देती, मोक्ष देती हूँ। तो माँ भगवती महामाया के द्वारा जो है इस सारे जगत जो है यहाँ मोहित किया गया है। इस देवी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, माँ की कृपा होती है तो ही व्यक्ति जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते है, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होते ही वह धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मानुकूल कर्म करता हुआ, माँ भगवती की आराधना अर्चना पूजा करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होते ही। ज्ञानी नवचेता से देवी भगवती सा भला दृष्ण मोहाय महामाया प्रजश्यति। जय भगवती महामाया के द्वारा ज्ञानी नवचेता से देवी भगवती सा बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी मोह के गहरे घर्त में गिरा गए हैं, फिर सामान्य मनुष्य का कहने क्या। इसलिए जो भक्त जन माँ के शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनका जीवन जो है सदा सर्वदा सुखी बने रहता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।
तो ये महाभगवती जो है जिस सतियों का सत्य ही और तपस्वियों का तप ही, तपस्वी जो है उन पर जब माँ की कृपा होती है तो वे तपस्या में सफल होते हैं। इसी प्रकार से सतियों का सत जय भगवती है, इसलिए माँ की आराधना, माँ का स्मरण, माँ का पूजन जो है इस सब ओर से ये रक्षा करने वाला है और सब कष्टों को दूर कर करके ये सुखों को देने वाला है। कहते हैं कि नवी शरण में स्वर्णकाद ऋषियों को सूर्य जी जो है श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनाते हुए ये कह रहे हैं कि इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है सब ओर से कल्याण को देने वाली है। उन ऋषियों को सूर्य जी बतलाते कहते हैं कि एक बार जो है महर्षि व्यास जी को राजा जन्मे जी ने जो प्रश्न किया था, महाराज हम किस देव की आराधना करें, कैसे जो है हम उपासना करें और किस देव की आराधना करें जिससे मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सके, वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर सके। तो व्यास जी कहते हैं कि जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में जो है जो हो जो रुद्र शक्ति का रूप जो है जी धन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर द्वारा जो आराधित है पूजित है वह भगवती आदि शक्ति जो है हम सबका कल्याण करे, हम सबका मंगल करे। वह भगवती आदि शक्ति जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता के द्वारा भी पूजित है आराधित है, जे भी उन्हीं की आराधना करते हैं पूजा करते हैं और वह भगवती वह सबूर से हम सब भक्त का मंगल करें। कहते पूर्व काल की बात है, जन्म जी के पिता राजा परीक्षित जो थे, जन्म जी के पिता जो ही ये राजा परीक्षित हुए हैं और परीक्षित जो है ये बड़े धर्मशील राजा थे, सदा सर्व धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म किया करते थे, यज्ञ करना, देव देवता की आराधना करना, ऋषि मुनों का संतों का मान सम्मान करना, उनका आदर करना, इस प्रकार से ऐसे जो राजा परीक्षित हुए हैं। कहते एक बार ऐसा हुआ कि वन में शिकार खेलने के लिए किए थे और ऐसे ही शिकार खेल रहे थे और शिकार खेलते खेलते मध्याह्न का समय हुआ और जो इनको भूख प्यास थाने लगी। अब जो है इन्हों जल की खोज की, कहीं कोई जल की प्राप्ति हो जाए, तो इस प्रकार से जल की खोज के लिए जब चल रहे थे तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर ऋषि जो थे वह तपस्या में तल्लीन थे। तब जब वहां पर गए उन्होंने जल की जांचने की, परंतु ऋषि तो ध्यान मगन थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं, परंतु राजा को क्रोध हुआ ऋषि पर, मैं राजा हूँ, जहाँ पर आया इस मेरा सम्मान नहीं किया, बैठने के लिए आसन दिया, कोई जलपान के लिए नहीं पूछा। तो कहते हैं क्रोधित होकर के पीछे मुड़े और पीछे आकर के देखा एक सांप था और सांप को उसने मार दिया, तीर मारा और मार दिया और मार करके जो है उस सांप को उठा करके वो ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चल पड़ा। अब ऋषि के पुत्र को जब पता चला कि इस प्रकार से मेरे पिता का राज ने अपमान किए हैं, तो उसके पुत्र ने जो संगी ऋषि ने जो है उन्हें जो है शाप दे दिया कि सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सातवें दिन तक्षक शाम जो डस लेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार जिसने मेरे पिता का अपमान किया है बस सातवें दिन उसको तक्षक सांप ही डसेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से सांप के डसने से परीक्षक की जो है ये अब मृत्यु होती, अकाल मृत्यु हुई थी। तो इनके पुत्र जो थे जन्मे जी हुए और जन्मे जी जो है जे व्यास जी जो प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि प्रेक्षक जो मेरे पिता जो है जो प्रेक्षक थे उन्हें तक्षक ने जो है डस लिया था और उनकी दुर्गति के निवारण के लिए जो है यही जन्मे जी जो है वह प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं मैं क्या करूं। तो व्यास जी जो है उनसे कहते हैं कि आप माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना कीजिए, माँ के शरण धोखी करके जो है नवरात्र विधि से 9 दिन जो है यज्ञ कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, नवाह यज्ञ जो 9 दिन की साधना माँ की जो विशेष साधना है, जो शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं और इस प्रकार से मध्य भागवत की कथा श्रवण कीजिए, जब कीजिए माँ को प्रसन्न कीजिए, यदि वह भगवती आदि शक्ति प्रसन्न हो जाए तो फिर जीवन कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
जो भी व्यक्ति जो है असंभव भी संभव हो जाते हैं जब माँ की कृपा होती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। इसलिए राजन यदि आप अपना अपने पूर्वजों का जो है कल्याण चाहते हैं तो आप जो है माँ को प्रसन्न कीजिए, माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना कीजिए। वेद व्यास के मुखर विंश से जो है इस प्रकार से 9 दिन की जिस साधना जो विधि जो थी वह राज जन्मेजी ने सुनी और फिर जो है उनने कहा कि आप इस यज्ञ में जो सम्मिलित होकर के यज्ञ को जो है आप ही संपूर्ण करवाइए। और बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के राय जन्मेजी ने वह यज्ञ किया। नवा यज्ञ जो है प्रतिदिन जो वेद व्यास जी जो है यहाँ श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनाते और श्रोता जन्मेजी थे। राय जन्मेजी बड़ी श्रद्धा से सुनते। इस प्रकार से 9 दिन आद्य शक्ति का जो विधि पूर्वक जो है राय जन्मेजी ने वह पूजन करते रहे और 9वें दिन जो है जिसे समाप्त हुई पूर्ण होती हुई कहते कि राजा परीक्षित जो है उस पर माँ भगवती जो है जो प्रसन्न होगी उसकी जन्मेजी की पूजा से जो है और राजा परीक्षित को जो है सदगति प्राप्त होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आकाश से जो है पुष्प वृष्टि हुई और राजा परीक्षित जो है अपने अनुज को जो है अर्थात जन्मेजी को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तेरा कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए कहते कि वंश में कोई भी व्यक्ति जो है यदि इस तरह से भाई देव आराधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, उसका कल्याण होते हैं, उसके कुल का कल्याण होते हैं और उसके पूर्व भी यदि नरक में बैठे हुए हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है अर्थात वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो धर्म कर्म का फल होते हैं जो श्रद्धा युक्त होकर के भगवत की आराधना माँ की अर्चना पूजा जो है जे करते हैं और ये सब देख करके राज जन्मेजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे पिता को जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, बड़े प्रसन्न हुए और फिर जो है वेद व्यास जी की उन्हें बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा की उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो ही मानव जो है इस मृत्यु लोक में भक्ति पूर्वक श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रवण करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ भगवत के नाम का जप करते हैं, किसी भी मंत्र के द्वारा भगवती की उपासना करते हैं, उन्हें जो है परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और इसके श्रवण से अपुत्र को जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, अपुत्र जो है पुत्रवान हो जाते हैं, दरिद्र जो है दरिद्रवान हो जाते हैं, जो है धनवान हो जाते हैं, रोगी जो है आरोग्यवान हो जाते हैं और विद्यार्थी विद्वान हो जाते हैं। इस तरह से जो भी भक्ति जिस भाव से माँ की आराधना करते हैं भगवती की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती है। वह जो जो भी चिंतन करते हैं भगवती कृपा से माँ का आशीर्वाद से उनके वह सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। जिसके घर में जो है श्रीमद देव भागवत की पुस्तक का नित्य प्रति जो है पूजन होता है और प्रतिदिन जो है चाहे थोड़ा ही सही वह पाठ कर देव भागवत का पाठ होता है या किसी विद्वान से करवाया जाते हैं, वह घर जो है वह तीर्थ स्वरूप हो जाता है, तीर्थ तुल्य हो जाते हैं और जो है वहाँ रहने वाले लोगों को जो है पास जो कभी पाप नहीं आता। माँ की कृपा से उन्हें धार्मिक बुद्धि की प्राप्ति होती है, वह सदा सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ भगवती की उपासना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है कि अष्टमी नौमी चतुर्दशी और नवरात्र जो है जब माँ के जो विशेष दिन होते हैं इनमें जो है इस शक्ति की विशेष आराधना अर्चना पूजा जो है जो करनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसा करने से जो है कहते हैं कि पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सदा सर्वदा जो है सुख शांति प्राप्त होती है और धन धन की वृद्धि होती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो वह प्रकांड विद्वान जो है वह होता है और यदि क्षत्रिय हो इस माँ की उपासना करने वाला तो वह शूरवीर होते है और वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य होते है और यदि शूद्र हो तो अपने कुल में अपने वंश में जो सबसे अपने कुल में वह श्रेष्ठ माना जाते है। इसका ऐसी कृपा जो है माँ की होती है जो माँ के शरणक धोकर के इस देवी की उपासना करते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के दरबार में विराजमान है, उस माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों में जो माँ इस गुहा के अंदर 3 दिव्य
पिंडी को विराजमान होकर के माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती के रूप में विराजमान होकर के जहाँ पर तप कर रही हैं, उस माँ भगवती आदि शक्ति का जो है आप भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त करने का, माँ की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए ही। जो भक्त जन जो है माँ के शरणागत होकर के भगवती की आराधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडिक रूम में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माँ भगवती की जो है उपासना, माँ की अर्चना पूजा करते हैं, उन पर तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का आप पाठ करेंगी। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, जो भक्त जन इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके और इस तरह से माँ के शरणक धो करके इस मंत्र द्वारा माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी रूम में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर इन तीनों देवियों की सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर तीनों देवियों की कृपा होती है उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी कोई न्यूनता नहीं रहती। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की तो भजन के वेला निवेदन कर रहा हूँ। श्री मणिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना सब लोग बोलना ताली बजाते हुए श्री मणिंद्र जी। जयकारा शिरोमणि जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। एनु इको वारी कहना पैंदा मन जांदी है। एनु इको वारी कहना पैंदा मन जांदी है। ਇਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। 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 अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मनोरंजन पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता है। ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਐਤਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। 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 ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਚੋਲੀ ਮਈਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਸਭ ਦੀ ਚੋਲੀ ਮਈਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸਭ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਉਹਦਾ ਝਟਪਟ ਲੈਂਦਾ ਏ 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 ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਦਿਆਲੂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਦਿਆਲੂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰਹਿਮਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਡੁੱਬਦੀ ਨਈਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ ਡੁੱਬਦੀ ਨਈਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸਭ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ 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 ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਨ 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 ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਰਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਵਾਨੀ 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 ਕੋ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਭੁੱਖ ਕੋ ਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇਤੀ ਔਰ ਪਿਆਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਹਮ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਵਾਨੀ
सच्चा है दरबार तुम्हारा सुंदर गुफा में डेरा 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 किस्मत वाले हैं जो दर्शन करते तेरा बड़े किस्मत वाले हैं जो दर्शन करते तेरा बड़े किस्मत वाले हैं जो दर्शन करते तेरा बड़े किस्मत वाले हैं जो दर्शन करते तेरा सब भक्तों पे कृपा करती जग है कल्याण हम पर दया करो हे माया भगवानी हम पर दया करो हे माया भगवानी भूख को माँ भोजन देती भूख को माँ भोजन देती और प्यासे को पानी हम पर दया करो हे माया भगवानी हम पर दया करो हे माया भगवानी करो हे मायाद भवानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी कटड़ी चढ़ाइया चढ़ के जो भी द्वार तुम्हारे आते कटड़ी चढ़ाइया चढ़ के जो भी द्वार तुम्हारे आते कटड़ी चढ़ाइया चढ़ के जो द्वार तुम्हारे आते कटड़ी चढ़ाइया चढ़ के जो द्वार तुम्हारे आते हित मनोरथ होते उनके मनवाशित फल पाते हित मनोरथ होते उनके मनवाशित फल पाते इन लोक में तुमसे बड़ा ना लोक में तुमसे बड़ाना लोक में तुमसे बड़ाना और कोई है धन हम पर दया करो हे मायाद भवानी 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 तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते तेरे दर पे जो भी झुकते सदा सुखी वो रहते हर पल तेरा सिमरन करते जय माता की कहते हर पल तेरा सिमरन करते जय माता की कहते वो शरदा वाले तुम्हें पाया शरदा वाले तुम्हें पाया डरते हैं अभिमानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी हम पर दया करो हे मायाद पर दया करो हे मायाद भवानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी ओ भूख को माँ भोजन देती भूख को माँ भोजन देती और प्यासे को पानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी करता धरता हे माँ शेरो वाली की धरता धरता हे माँ शेरो वाली तुम सृष्टि की करता धरता हे माँ शेरो वाली माँ सृष्टि की करता धरता हे माँ शेरो वाली अभिदान जो दे भक्तों को तुम हो मेरो वाली अभिदान तुम दे भक्तों को तुम हो मेरो वाली माया अभिदान जो दे भक्तों को तुम हो मेरो वाली माँ अभिदान तुम दे भक्तों को तुम हो मेरो वाली तेरे निर्दोष पे चलती तेरे निर्दोष पे चलती द्वार तेरे
बात चलती सीखना मन मानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी 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 ओ भूख को माँ भोजन देती और प्यासे को पानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी 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 दया करो हे मायाद भवानी हम पर दया करो हे मायाद भवानी मायाद भवानी हे मायाद भवानी हे मायाद भवानी हे मायाद भवानी माँ जयकारा शेरोवाली जी का दरबार की जय जयकारा शेरवाली बोल सच्चे दरबार की जय मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा 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 खुले हैं भंडारे जो मांगेगा जो पाएगा 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 मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा हाँ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा हाँ मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा श्रद्धा से शीत को जुगाता हुआ शीत को जुगाता हुआ जय जय अम्बे जगदम्बे मंत्र को गाता हुआ मंत्र को गाता हुआ जय जय अम्बे जगदम्बे मंत्र जगाता हुआ मंत्र जगाता हुआ वही भाग्यशाली जो भाग को बनाएगा 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 मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा 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 आंखों में बसा ले जो अम्बा की तस्वीर को अम्बा की तस्वीर को आंखों में बसा ले जो अम्बा की तस्वीर को अम्बा की तस्वीर को बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को बना ले तकदीर बिगड़ी वो अपनी बना ले तकदीर को बना ले तकदीर को मैया के द्वारे पे शीश जो झुकाएगा 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 मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा 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 लगाने लग जाएगी सदा उसकी रक्षा को वरदाती आएगी सदा उसकी रक्षा को वरदाती आएगी किसी से न दुनिया में वह डर खाएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा 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 झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है झूठे संसार में जो कर्मों के भोग है इसी से तो दुखी सुखी रहते सब लोग हैं चमनवा का दास कभी न घबराएगा मेरी अम्बे रानी के जो भी गीत गाएगा 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 खुले हैं भंडारे
ਪਾਏਗਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਬਡਾਰੇ ਚ ਮੰਗਦਾ ਪਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਅੰਬਰਾਣੀ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਬਰਾਣੀ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏਗਾ 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 दरबार की है तभी अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री मनेंद्र जी जयकारा शेरवाली जी का बोल सच्चे दरबार की है तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं भूला मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ भूला मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं भूला मेरी शेरों वाली माँ ओ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ सब कुछ लूटा कर कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा कर कुछ ना बना मेरा सब कुछ लूटा अपना संभालो इंतजाम मेरी शेरों वाली माँ अब अपना संभालो इंतजाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी तुम बिन हो सब कुछ हराम मेरी शेरों वाली माँ तुम बिन हो सब कुछ हराम मेरी शेरों वाली माँ तेरी मर्जी का मैं हूँ तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर
गया सब हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर हार तुम्हें पर, हाँ जीत तुम्हें पर हार तुम्हें पर, जीत तुम्हें पर हार तुम्हें पर। मैं तो करूँगा विश्राम मेरी शेरों वाली माँ, मैं तो करूँगा विश्राम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ, मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरे बिना मुझे कुछ नहीं भाए, तेरे जीवा मुझे कुछ नहीं भाए, हाँ तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाए, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाए, दुनिया का कोई सुख ना सुहाए, 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 मैया मैं तो जपूंगा तेरा नाम मेरी शेरों वाली माँ, मैया मैं तो जपूंगा तेरा नाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ, मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरी शेरों वाली माँ, मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ, मैया तुमको है लाखों प्रणाम मेरी शेरों वाली माँ, मेरी शेरों वाली माँ, मेरी शेरों वाली माँ, मेरी मेरों वाली माँ, मेरी शेरों वाली माँ, मेरी जोतों वाली माँ, मेरी जोतों वाली माँ, मेरी लाटों वाली माँ, मेरी लाटों वाली माँ, मेरी शेरों वाली माँ, मेरी शेरों वाली माँ, जयकारा शेरों वाली जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आरोड़ से भ्रमते गगने दक्षिणे चक्षुत्र वामे हस्त दिभ्यं भ्र कणकमयं पुस्तकं जनगम्य सभिनाभ्यादिन्ते स्वकृतृजपि शास्त्र विज्ञान शब्दे प्रीणन्त दिभिरूपाक्तर कमलधर भारती सुप्रसन्ना वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 17 प्रविष्टि ही कृष्ण पक्ष आज 10वीं तिथि ही आज 10वीं तिथि जो है यह 8:40 रहेगी उसके उपरांत एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का व्रत जो है ये कल होगा। इस पक्ष में दसवीं तिथि जो है ये 2 दिन रही ही, जिस तिथि में 2 दिन सूर्योदय हो वह तिथि वृद्धि कहलाती है, एक तिथि बढ़ जाती है, और जिस तिथि में एक बार सूर्योदय ना हो
वह तिथि क्षय कहलाती ही, उस पक्ष में एक तिथि कम हो जाती है। तो इस बार जो है इस पक्ष में जो है ये दसवीं तिथि जो है ये वृद्धि को प्राप्त हुई ही, कल भी दसवीं थी सारा दिन, आज जो है 8:40 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी प्रारंभ होगी और कल एकादशी सूर्योदय व्यापनी होगी। इसलिए एकादशी का व्रत जो है ये कल ही होगा, शुक्रवार, तदनुसार 1 मार्च 2019 के दिन प्रातः कल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सत्वी संज्ञा कथम पुण्यन भवति, सत्संग प्राप्त होना जे बड़े पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है, जिस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है कि जो माँ की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर। माँ की कृपा से जब माँ कृपा करती है तो भक्तों के हृदय में इसी तरह के सद्विचार उत्पन्न होते हैं, हम कोई सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन को चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इस प्रकार से फिर वे माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन जगत माता के दरबार में आकर के इस पिंडी के रूप में माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तर उन्नतिशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। इस पर पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूरिभूत करणे धाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे भैरी दर्भ दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्म आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्त की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ॐ जय अम्बे गौरे मैया जय श्यामा गौरे मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैं कौन सदन धावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव Yeah.
सदा ही जय सब जमन अर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा
सदा ही जय। सबको सर्वबुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। क्षमा करो अपराध शरण में, क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ। पूज्य पुजारी जी, मां भव्यत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भव्यत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलना, ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि भुजो जहि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। शान्तिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुनी और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
ਸੰਦਵਾਰਮ ਦੁਰਾਜੰਗਮ ਸਭੁਜੰਗ ਦਾਈਸ਼ਵਰੀ ਈਸ਼ਵਰੰ ਗਰ ਭੂਤਾਨੰ ਕਮਯੋ ਭਵੇਸ਼ਯੰ ਸੀਕੰਦਜੰ ਦੰ ਜੁਦੰ ਗੰਦਾਰਯੰ ਕਮਨੋਹਰ ਦਿਵੇ ਪਰਮ ਸੇਸ਼ਵ ਚੰਦਨੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਪਾਮ ਓਮ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੀ ਜੋ ਦੁਰੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦਿਵੇ ਚੰਦ ਪਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੇ ਚਰਰਮ ਪੰਚਮ ਚਤੁਰਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਮ ਕਾਪਿਆਨੀ ਚ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਸ਼ਿਵੇ ਗੁਰਵਾਰੀ ਗੋਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਗੰਗਾ ਗਾਪੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਸਰਵਸ ਰੂਪੇ ਭਜੇ ਜਕ ਰਾਹੀ ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗੇ ਦੇਵੀ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਕੇਸ਼ਾ ਨੇ ਅਪਰੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਾ ਦੁਖਾਮਾ ਦੀਗਾ ਤੁਰਮਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨੰ ਤੁਰਮਾ ਸ਼ਬਾ ਦੋ ਪ੍ਰਚੰ ਪੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀ ਮੇਵ ਮੇਵ ਤੇ ਆਗਮ ਮਤਵ ਦਾਦੇ ਜਿਨਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨ ਤੋ ਸੰਗਨ ਨੇ ਜੁਨੀ ਦਾ ਯੁਸ਼ੋ ਮਤ ਬੁਝਾਦੇ ਨੇ ਬੁਝੀ ਕਿਤੀ ਨਾ ਸੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲਾ ਕਾਲੀ ਬਦਲ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 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 ਮੰਤਰਹੀਨਮ ਤੇਰਾਹੀਨਮ ਬੰਤਹੀਨਮ ਜਦ ਬੁਝਦੋ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਬੰਦੂਨੇ ਸਦਨ ਸੁਣੇ ਅਵਹਨਮ ਨੇ ਜਾਣਨੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਿਸਾ ਜਨਮ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮ ਮਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਾਣੀ ਜਵਾਬ ਪਾਣੀ ਜਨੋ ਦੇ ਤਾਰੀ ਚ ਤਾਰੀ ਸੁਹਾਣ ਪਛਤ ਕੋ ਉਹ ਦਸਨਾ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸੋ ਪਰੇ ਪਰੇ ਓਮ ਜੈ ਕੇ ਧਾਨੀ ਪਤਰੰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਾਰੇ ਰੰਗਿਨ ਹਤੇ ਖਾਂਗੂ ਸਹਸ ਜੋਨੇ ਉਹ ਧਨ ਭਾਵਨੀ ਧਨ ਮਸੀਹੀ ਓਮ ਸਤਾ ਚਾਰ ਸੰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਸਮੂਹ ਹਾਰਤਾ ਰੱਬ ਜੋੜ ਲਗਾਉਣੇ ਜੋੜੇ ਹੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲਗਾਓ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਰੂਪੇ ਨੇ ਸੰਚਿਤਾ ਨਮਸਤੇ 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 ਨਮੋ ਨਮਃ ਜੈ ਦੇਵੀ ਜੈ ਦੇਵੀ ਅਰੇ